आज गुजरात के कांडला में बुलडोजर एक्शन का सेकंड राउंड था। 45 बुलडोजर लगे, 60 डंपर दौड़े, 80 से ज्यादा ट्रैक्टर मलबा ढो रहे थे, 400 से ज्यादा कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई, 1000 से ज्यादा जवान पूरे दिन तैनात रहे। ये गुजरात में अब तक का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन था। कांडला में ऐसा क्या हो रहा था जिसको रोकने के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन चलाना पड़ा? कांडला में पोर्ट की आड़ में क्या किया जा रहा था? कांडला की कैसे डेमोग्राफी बदली और कैसे कांडला नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन गया? सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। बीस घंटे से 45 बुलडोजर नॉनस्टॉप जारी हैं। जब तक एक एक अवैध निर्माण को तोड़ नहीं दिया तब तक बुलडोजर रुका नहीं। 250 एकड़ की जमीन पर ड्रग्स का अड्डा बसा दिया गया। करोड़ों की ड्रग्स की स्मगलिंग होती थी। ड्रग्स सिंडिकेट का नेटवर्क भी तोड़ डाला। नीचे बुलडोजर चलता है तब आसमान से कुछ ऐसा दिखता है। एक साथ जब दर्जनों बुलडोजर अवैध इंक्रोचमेंट को हटाते हैं तो नजारा कुछ इस तरह का होता है। ड्रग सिंडिकेट के हर हिस्से में बुलडोजर दौड़ रहा है। हर एक अवैध निर्माण निस्त नाबूद किया जा रहा है। इंक्रोचमेंट कितना बड़ा था, एक्शन कितना जबरदस्त था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। 250 एकड़ में बने 600 से ज्यादा अवैध निर्माण को हटाने के लिए 20 घंटे तक कार्रवाई हुई। पूरी कार्रवाई के दौरान 45 बुलडोजर, 20 हाइड्रा मशीन, 60 डंपर, 20 लोडर, 80 ट्रैक्टर और मलबा हटाने के लिए 400 लोग लगाए गए। इस दौरान 800 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात थे। CISF के 110 जवानों को भी तैनात किया गया था। प्राइवेट सिक्योरिटी के भी 60 लोग मौजूद थे। गुजरात की कोस्ट लाइन पे कंडला पोर्ट सबसे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में से एक है और वहीं पे आप देखिए जो एनक्रोचमेंट है वो करीब 2 से 2.5 किलोमीटर के इलाके में इस तरह से इलीगल हटमेंट्स बन के करवा दिया गया था और जिसको अब तोड़ने की कार्रवाई जो है वो यहाँ पे चल रही है। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें चीज़ों को तो आप देखिए ये वो इलाके हैं जहाँ से आप देखिए ये जो बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज हैं उनकी पाइपलाइन पीछे आप देखिए ये होकर के गुजरती हैं और इन पाइपलाइंस को पंचर करके लाखों करोड़ों रुपए के तेल की चोरी हर महीने यहाँ होती है। इसके अलावा आसपास के इलाकों में जैसा सूचना है कई बार ड्रग्स पकड़ा गया है, उसमें भी जो इन इलाकों में रहने वाले लोग थे उनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो साफ नज़र आ रहा था क्योंकि पाकिस्तान से काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी है इस एरिया की, तो यहाँ पे देश की जो सुरक्षा है, हमारे बॉर्डर्स की जो सुरक्षा है उसको लेकर के भी काफ़ी जो खतरा है वो मंडराने लगा था। बुलडोजर का ये एक्शन क्यों ज़रूरी था, नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से ये कितना अहम है, इसकी डिटेल आगे देंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे इलाके का स्ट्रक्चर समझ लीजिए। जिस जगह बुलडोजर एक्शन हुआ वो पूरा इलाका समुद्र से सटा हुआ है। यहीं पर देश के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक कांडला बंदरगाह है जहां से सबसे ज्यादा व्यापार होता है। स्पोर्ट से अमेरिका, दुबई, ब्रिटेन जैसे देशों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। इसी बंदरगाह के आसपास धीरे धीरे अवैध बस्ती बस गई। सैकड़ों लोगों का बसेरा हो गया, पक्के मकान बना लिए गए, देश की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ होने लगा। 6 साइट्स थी जिसपे ये हटमेंट्स धीरे धीरे आ गए थे और बेसिकली ये फिश लैंडिंग सेंटर्स हैं। यहाँ पे 4 फिश लैंडिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे फिशिंग बोट्स का एक्सेस है। ना उस एक्सेस के वहाँ तक तो ठीक है कि फिशिंग करके आप आए, आपने बोट्स वहाँ रखी और आप वहाँ से चले गए। उस फिश लोडिंग लैंडिंग सेंटर्स के अक्रॉस इन्होंने हटमेंट्स बनाने शुरू कर दिए। 2 तरह की सिक्योरिटी को थ्रेट है, एक तो कोस्टल सिक्योरिटी को थ्रेट है,
बिकॉज ये एक्सेस अनकंट्रोल्ड है। दूसरा क्या है कि शिपिंग की फ्रेटर्निटी में अगर आप मैरिटाइम सेक्टर की बात करें तो ये एक दूसरा थ्रेट है। कुछ केसेस ऐसे भी हुए हैं जहां शिप्स में जो वेट कर रहे थे एंकरेज पे उनमें भी चोरियां हुई हैं। तीसरा ये है कि क्योंकि यहाँ पे लिक्विड स्टोरेज है, बड़े टैंक्स हैं, तो वो इट्सेल्फ एक सेंसिटिव लोकेशंस हैं जिनकी पाइपलाइंस अमोनिया वगैरह है, जिनकी पाइपलाइंस में अगर इस तरह का एक्सेस अगर मिलेगा और ये एरिया उन्हीं पाइपलाइंस के अक्रॉस है जहाँ पे और पाइपलाइंस आ रही हैं और टैंक फार्म्स डेवलप हो रहे हैं, 1100 से ज़्यादा टैंक फार्म्स हैं यहाँ पे, तो वो एक ऐसा डेवलपमेंट है जहाँ पे मतलब इट इज़ कंसिडर्ड टू बी हजार्डस जोन, सेफ्टी जोन, सिक्योरिटी जोन एंड कंट्रोल्ड जोन। कांडला पोर्ट का ये इलाका ड्रग्स तस्करी से लेकर अवैध धंधों में लिप्त अपराधियों के छिपने का ठिकाना बन गया था। इसी एरिया से बड़ी बड़ी कंपनियों के कई पाइपलाइन गुजरे हैं। पाइपों में छेद कर करोड़ों के तेल की चोरी की जाती थी। कांडला पोर्ट से पाकिस्तान की दूरी 100 किलोमीटर से भी कम है, जिसका फायदा ड्रग तस्कर उठाते थे। 1600 किलोमीटर समुद्री सीमा होने की वजह से सुरक्षा एजेंसियों को तस्करी पर पूरी तरह लगाम लगाने में दिक्कतें होती हैं। मछली पकड़ने की आड़ में तस्कर बोट के जरिए ड्रग्स की सप्लाई करते थे। तो ये कोस्ट से थोड़ा दूरी जो है, अलग अलग टाइम पे बहुत बार जो है इन्हीं कोस्ट के नज़दीक में ड्रग्स भी जो है कच्छ पुलिस द्वारा पकड़े गए हैं। ये सही बात है कि कोस्ट लाइन का वल्नरेबिलिटी बढ़ रहा था, क्योंकि इसमें जो एक पर्टिकुलर ये कच्छ की बात करें तो इस एरिया में जैसे आपने देखा कि पाइपलाइंस भी काफ़ी यहाँ से मूव हो रही है, प्लस इस एरिया में जितने ऑफेंसेस हो रहे थे जो कि कहीं ना कहीं पाइपलाइन सिक्योरिटी को अफेक्ट कर रहे थे, प्लस जो ऑयल पिल्फरेज और ऑयल थेफ्ट जो हो रहा था, काफ़ी जो एक्यूज थे जो कि पुलिस के रिकॉर्ड्स पे थे वो एक्यूज जो है इन हटमेंट्स में रहते थे, ऐसा हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड है और वो एक्यूज का पूरा डेटा है। इसलिए उनको जो एक्यूज थे इस हटमेंट्स के रहने की वजह से उनको इजी एक्सेसिबिलिटी मिलता था। अब ड्रग्स के सिंडिकेट पर बुलडोजर चला दिया गया है। अवैध कब्जे की जमीन समतल हो चुकी है, लेकिन सरकार का मकसद सिर्फ तोड़ना नहीं है, अवैध कारोबार को तोड़कर ईमानदारी वाली इमारत खड़ा करना भी है। मलबे को पूरी तरह साफ करने के बाद कांडला पोर्ट पर रीडेवलपमेंट का काम होगा। कांडला पोर्ट एक हब के तौर पर उभर कर सामने आएगा। इस पोर्ट को ग्रीन हाइड्रोजन का हब डिक्लेयर किया गया है और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में, तो यहाँ पे एक पोर्ट ग्रीन हाइड्रोजन का इकोसिस्टम डेवलप होना है। तो बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं विच हैव शोन इंटरेस्ट टू कम अप एंड सेट अप अ ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी एंड पोर्ट इकोसिस्टम हियर। तो वो हम लोग लैंड को डेवलप करके उसमें इंडस्ट्रीज को, पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो बात होती है, तो वहाँ पे जो हाइड्रोजन वैल्यू चेन के जितने कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइजर है, बैलेंस ऑफ प्लांट है, जिसका भी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अगर कोई इंडस्ट्री आना चाहती है, वी विल ऑफर दिस लैंड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फॉर ऑगमेंटेशन ऑफ द पोर्ट कैपेसिटी। तो इसको हम लोग प्रोडक्टिव यूज में, जिससे ये पोर्ट की फैसिलिटी इंप्रूव हो, पोर्ट की कैपेसिटी इंप्रूव हो और यहाँ की जो इकोनॉमी है अक्रॉस दिस पोर्ट, बहुत ये पूरी इकोनॉमी कांडला पोर्ट के अक्रॉस जो चल रही है ये ग्रो करे। कांडला पोर्ट में बुलडोजर ऐसा मैसेज है जिसका इंपैक्ट इस पार होगा, उस पार भी दर्द बराबर होगा।